हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नेहा डोंगावकर, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज का अपना वीडियो का सब्जेक्ट है सोरियासिस और विंटर सीजन। विंटर सीजन में सोरियासिस बहुत फ्लेयर अप होता है, तो इस बारे में सबको जानकारी होना जरूरी है कि विंटर सीजन में सोरियासिस की केयर क्या लेनी है और फ्लेयर अप होता है मतलब बढ़ता है तो एग्जैक्ट क्या होता है। तो सोरियासिस में जो ड्राइनेस आता है और डेड स्किन बार बार निकलना शुरू हो जाता है, तो ये जो डेड स्किन निकलती है तो विंटर सीजन में उसका स्किन का मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं अपन कि बहुत ही फास्ट डेड होना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा तैयार होती है। तो विंटर सीजन में वैसे भी एनवायरनमेंट में ड्राइनेस होता है, इसी वजह से सोरियासिस सबसे ज़्यादा विंटर सीजन में ही बहुत फ्लेयर अप होता है। और जिनको भी सोरियासिस है, कोई कोई पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि जिनको समर में और रेनी सीजन में सोरियासिस अपने आप ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है और विंटर में आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों को और जिनका रेगुलर 12 महीने भी सोरियासिस रहता ही है, जिनको क्रॉनिक सोरियासिस बोलते हैं, तो ऐसे दोनों भी पेशेंट को विंटर में केयर लेना चाहिए कि जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है तो स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। फिर आप ऑयल लगाइए या फिर वैसलीन लगाइए जो जिनको अवेलेबल है, या कोकोनट ऑयल अच्छा वाला, मतलब वर्जिन कोकोनट ऑयल तो अच्छा ही होता है। अगर ये मिलता है तो ये रेगुलर सुबह शाम बॉडी को लगाना है नहाने के पहले और रात को सोते टाइम। तो अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो इसकी तकलीफ कम होती है। अभी सोरियासिस में जो ड्राइनेस बढ़ता है और डेड स्किन निकलना स्टार्ट होता है, तो उस टाइम भी अगर जितनी भी डेड स्किन निकलती है तो वो जिनको बॉडी पे, पूरे बॉडी पे नहीं है, जैसे पैर में है, हाथ में है, तो उन्होंने ये ज़रूर करना चाहिए कि गुनगुने पानी में हाथ या पैर रख के 10 मिनट रखना है और ऊपर जो स्किन आती है उसको हल्के से निकाल लेना है। तो इससे जो एक्सफोलिएशन डेड स्किन निकल गई उसके बाद आप उसको मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। तो ऐसा करने से जो रोज़ के रोज़ डेड स्किन निकलती है तो उससे इचिंग कम होता है और रेडिशनेस होगा तो वो भी कम होता है और उसकी तकलीफ़ कम होती है, क्योंकि सोरियासिस में बहुत ही ज़्यादा इचिंग रहती है, मतलब लोग पागलों की तरह खुजाते रहते हैं। तो ये अगर आप ये केयर लेते हो तो उससे इचिंग बहुत कम होती है। उसके बाद अगर सोरियासिस विंटर में बढ़ता है तो उसी टाइम मेडिसिन स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि सोरियासिस एकदम कंट्रोल में आता है। और जो भी मेडिसिन लेते हैं उसके साथ डाइट पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। विंटर में आपको थोड़ा सा जो ड्राई चीज़ें हैं वो कम खाना चाहिए और जिसमें नेचुरल ऑयल होता है ऐसी चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। कैश्यू खा सकते हैं, पीनट थोड़ा अवॉइड करें तो अच्छा है, क्योंकि पीनट ज़्यादा खाने से इचिंग होता है। उसके साथ फर्मेंटेड चीज़ें, ज़्यादा सॉल्ट वाली चीज़ें, इसको एकदम अवॉइड करना है, मतलब बंद ही कर देना है। और जैसे कि सलाड ज़्यादा लेते हैं तो उसमें हाइड्रेशन ज़्यादा रहता है बॉडी में। और बेसिक चीज़ तो ये है कि सोरियासिस अगर विंटर में होता है तो हमको इतनी पैस नहीं लगती है विंटर में, फिर भी हाइड्रेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोरियासिस के पेशेंट ने वाटर इंटेक बढ़ाना है, जैसे कि 3 लीटर 4 लीटर ऐसा अगर रेगुलर आप वाटर इंटेक रखें तो स्किन के लिए भी अच्छा रहेगा और स्किन का हाइड्रेशन बाकी एक्सटर्नली एप्लीकेशन से रेगुलर रहेगा, तो उससे सोरियासिस की तकलीफ कम होती है। तो अभी विंटर में जिनके यहाँ बहुत ही ठंड होती है, जैसे कि पंजाब, हिमालय के उधर के, हिमाचल प्रदेश, ये साइड में बहुत ही ठंड होती है, तो उन लोगों को मॉइस्चराइज करना तो 3 या 4 बार बॉडी को मॉइस्चराइज करना चाहिए, क्योंकि वो ठंडी इतनी ज़्यादा होती है कि हाइड्रेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसा एनवायरनमेंट के हिसाब से भी सोरियासिस के पेशेंट को खुद का ध्यान रखना है। और जैसे भी विंटर ख़त्म होता है तो अपने आप ही सोरियासिस का जो डेड स्किन निकलना है वो कम होता है। तो ये नेचुरल ही है, क्योंकि सोरियासिस जो ऑटोइम्यून डिसीज़ है उसमें बॉडी में एनवायरनमेंट का रिएक्शन, एनवायरनमेंट को देखकर जो रिएक्शन बॉडी का आता है उससे ही सोरियासिस फ्लेयर अप होता है। तो ये समझकर अगर सोरियासिस के पेशेंट खुद का ख्याल रखे तो वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ भी ज़रूरी है।
और डाइट भी ज़्यादा से हाइड्रेशन वाला, जैसे लिक्विड चीज़ें आप ज़्यादा लेना चाहिए। लिक्विड चीज़ लेने से सोरेसिस के लिए भी ठीक रहेगा। तो हाइड्रेशन एक लाइन में बोला जाए तो हाइड्रेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों भी ध्यान में रखकर अगर सोरेसिस को ट्रीट किया जाए तो जिनको भी सोरेसिस है उनको तकलीफ कम होती है। और विंटर के सीज़न में जंक फूड टोटली अवॉइड करना चाहिए, और आपका जो डाइट है उसमें से फाइबरस फूड आपको इंटेक में, आपके इंटेक में है कि नहीं वो देखना चाहिए। अगर नहीं है तो शाम के इसमें डिनर के टाइम पे ज्वार की रोटी कंपलसरी ले ली है तो वो भी गट फ्लोरा अच्छा रहेगा और सोरेसिस की तकलीफ बढ़ेगी नहीं एटलीस्ट। और दूसरी चीज़ कि सोरेसिस के पेशेंट जिनको सोरियाटिक अर्थराइटिस है तो उसमें जो जॉइंट का स्टिफनेस है वो विंटर सीजन में बहुत बढ़ता है। सुबह उठते समय जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, मतलब मूवमेंट्स को बहुत ही तकलीफ होती है। तो जिनको भी सोरियाटिक अर्थराइटिस है उनको जॉइंट को स्टीम और रेगुलर स्टीम देना और मसाज करना, अगर ये दो चीज़ें रखें तो स्टिफनेस जल्दी कम हो जाता है। तो ये ध्यान विंटर में सोरियासिस के पेशेंट ने लेना चाहिए। थैंक यू।